प्रधानमंत्री कल विश्वकर्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। देश भर के 70 स्थानों पर होगा कार्यक्रम। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तो जमशेदपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन रहेंगे मौजूद। कोडरमा जाने के क्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का हजारीबाग में हुआ स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैनिक स्कूल तिलैया के डायमंड जुबली समारोह में होंगे शामिल। देवघर का भी करेंगे दौरा। विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति ने जामताड़ा में योजनाओं का लिया जायजा। आयुष्मान भव पखवाड़ा में शत प्रतिशत ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। और जमशेदपुर में टाटा स्टील एशियन जूनियर ओपन एवं गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का समापन। महिला वर्ग में भारत की तेजस्विनी ने जीता खिताब। पुरुष वर्ग में रूस के ग्रेवनेव एलेक्सी बने विजेता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए। श्री किरण सदाशिव देशपांडे जी को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत तबला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री गोपाल चंद्र विश्वास, श्री गोपाल चंद्र विश्वास जी को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत तबला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर झारखंड समेत देश भर के 70 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजधानी रांची में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन रहेंगे मौजूद। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल देशभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। समर्थन देना है बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। पीएम मोदी पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों की सहायता करने पर हमेशा ध्यान देते रहे हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाएं सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर लोगों में खासा उत्साह है देखा जा रहा है। गुमला जिले के बढ़ई मिस्त्री प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर काफी आशान्वित हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने गुमला के कारीगरों में नई ऊर्जा भरी है। बढ़ई मिस्त्री का काम कर रहे शिवशंकर सिंह चाहते हैं कि पूंजी रहे तो वे अपना व्यवसाय शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विश्वकर्मा योजना की घोषणा की तो उनके सपने को जैसे पंख लग गए और अब वे काफी आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना देने वाले हैं, उसको हमको सुनकर बहुत खुशी हुई है। गुमला के ढोटरी टोली के रहने वाले रविंद्र मिस्त्री की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वे खानदानी बढ़ई गिरी तो करते आ रहे हैं, लेकिन पूंजी के अभाव में उनके पास सही औजार नहीं है। उन्हें भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबल मिलने का भरोसा है। मोदी सरकार 17 विश्वकर्मा पूजा का योजना मन लेते आ रहे हैं, हम लोग के लाभदायक होगा कि मोदी सरकार हम लोग पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लोग आगे कुछ कर सकें और कुछ सिखा सकें अगला आदमी। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आने वाले समय में संजीवनी का काम करेगी, जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव का वाहक भी बनेगा। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर खूंटी के कारीगरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से एक नई मुहिम का सूत्रपात होने जा रहा है, जिससे विभिन्न श्रेणी के कारीगरों को नई उड़ान मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना ने खूंटी जिले के कुम्हारों और शिल्पकारों समेत सभी कारीगरों को नए सिरे से अपना काम को बढ़ाने की ऊर्जा दी। ओम प्रकाश शर्मा जैसे कारीगरों का मानना है कि अब उन्हें पूंजी का अभाव नहीं होगा तथा वे आधुनिक तकनीक संबंधी यंत्रों की खरीदारी कर सकेंगे। बहुत खुश है कि हम लोग के लिए विश्वकर्मा समाज के लिए मैंने कि हम लोग को मैंने कम ब्याज पर मैंने कि लोन देने का और मैंने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कि योजना बनाए हैं जो मैंने हम लोग के लिए मैंने बढ़िया। फर्नीचर दुकानदार धनंजय शर्मा ने इस योजना को आर्थिक संकट से जूझ रहे कारीगरों को संकट से उबरने का मंत्र बताया और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से काम करने से बेहतर आय होगी जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा। पूंजीपति वाले आदमी से लेते थे पैसा उधार, उससे कारोबार करते थे। अभी हमारे मोदी जी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के कमजोर तबकों के सशक्तिकरण की मुहिम अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उस कड़ी में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा जो विभिन्न श्रेणी के कारीगरों को नई उड़ान देगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। कोडरमा जाने के क्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का आज हजारीबाग में स्वागत हुआ तथा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल कोडरमा जिले में स्थित सैनिक स्कूल तिलैया के डायमंड जुबली समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे देवघर का भी दौरा करेंगे। जामताड़ा परिसदन में सभापति डॉ सरफराज अहमद की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की बैठक हुई। इस दौरान विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा हुई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्री अहमद ने आयुष्मान भवा पखवाड़ा के तहत आयुष्मान मेला, आयुष्मान आपके द्वार एवं आयुष्मान सभा के आयोजन में शत प्रतिशत ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुंबई में चल रही G20 के तहत वित्तीय समावेशन पर आयोजित बैठक का आज आखिरी दिन है। मुंबई में वित्तीय समावेशन पर चल रही चौथी G20 ग्लोबल पार्टनरशिप बैठक का आज अंतिम दिन है। चौथी G20 GPFI बैठक में शुक्रवार को डिजिटल वित्तीय समावेशन के उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर चर्चा हुई। बैठक के पहले दिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास के लिए MSME को सक्रिय करने पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कल संगोष्ठी की मुख्य बातों पर एक प्रस्तुति आयोजित की गई। बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में डिजिटल वित्तीय समावेशन और MSME वित्त के क्षेत्रों में G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत वित्तीय समावेशन एजेंडे पर चर्चा हो रही है। जामताड़ा पुलिस साइबर अपराध पर नियंत्रण को लेकर हर स्तर पर सक्रियता से कार्रवाई कर रही है। संथाल परगना के DIG सुदर्शन मंडल ने कल पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पुलिस की दबिश और लगातार छापेमारी अभियान के कारण साइबर अपराध के मामलों में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साइबर जो है क्राइम का डाइवर्सिटी सुरक्षित करना, तो जामताड़ा को जामताड़ा के नाम से है लेकिन अदरवाइज अन्य जगहों पर जामताड़ा क्राइम साइबर की ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर जिस लिहाज से पहले जो क्राइम हो रहा था उस लिहाज से क्राइम होने का, उसमें बढ़ते अपराध वाली सब जो है उसको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। बढ़ते अपराध तो रिकॉर्ड कर्मचारी हो गए। अब आप लोग भी देख रहे हैं कि बाहर से इतने ज्यादा ऑफिसर नहीं आ रहे यहाँ पे जिस लिहाज से पहले आते।
मंदिरों के कथित राजनीतिकरण के विरोध में कल पहाड़ी मंदिर से आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल लोग मशाल और स्लोगन लिखकर लेकर चल रहे थे। इसमें लिखा था, न्यास बोर्ड मंदिरों का संरक्षण करे, राजनीतिकरण नहीं। आक्रोश मार्च रातो रोड से महावीर चौक, गांधी चौक, शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया। मौके पर लोगों ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर इस पर फिर से विचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय जिला विधानसभा एवं प्रखंड पदाधिकारियों की बैठक रांची में होगी। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत ने बताया कि बैठक में 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को प्रस्तावित पार्टी के महाधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने पाटन अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने दाखिल खारिज से संबंधित मामलों की जांच की। मौके पर पाया गया कि किसी वैध कारण नहीं होने के बावजूद दाखिल खारिज से संबंधित वादों को निरस्त कर दिया गया है। इस पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ट्राइबल समुदाय के युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्दी ही ट्राइबल उद्यमियों के लिए अलग से इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इसमें ट्राइबल चैंबर, फेडरेशन ऑफ झारखंड जैसे कई संस्थानों को सहयोग देना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लोहरदगा जिले में लंबित आवासों को पूर्ण कराने के लिए चलो करें आवास पूरा अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके लिए जिला स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी की अध्यक्षता में हुई। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने जिला योजना अनाबद्ध निधि के तहत जिला योजना कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की गई। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र सहित अन्य थानों में भूमाफिया जमीन दलाल की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नामकुम थाना के गेट पर इससे संबंधित एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि जमीन दलाल भूमाफिया का थाना परिसर में प्रवेश निषेध है। इसके अलावा भी कई अन्य थानों में भी ऐसा ही पोस्टर लगाया गया है। पलामू के जिला खनन पदाधिकारी ने समय अवधि समाप्त होने के उपरांत अवैध रूप से कोयले का परिवहन करने वाले ट्रक मालिक के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास परिवाद दायर किया है और वाहन मालिक पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया है। साहिबगंज राजमहल मुख्य पथ पर तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्कलैया में बाइक सवार अपराधियों ने एक चारपहिया वाहन पर बम से हमला कर दिया। घटना में डेढ़गामा निवासी सुबेश मंडल सहित 5 लोग घायल हो गए। ड्राइवर घायल अवस्था में ही वाहन चलाते हुए राजमहल थाना पहुंचा। पुलिस ने सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया और समाधान का अनुरोध किया। बाद में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले में अवैध ढंग से बालू की हो रही ढुलाई को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। इसी मामले को लेकर बरलंगा थाना पुलिस ने सिल्ली मोड़ के पास से अवैध बालू लदे 2 टर्बो वाहन को जब्त किया है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को जेल भेज दिया गया। धनबाद बम विस्फोट मामले की मुख्य आरोपी गुड़िया ने अपनी पहचान छुपाने के लिए दूसरी शादी कर ली थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब धनबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस गुड़िया देवी को पिंटू बड़वाल की पत्नी के रूप में जान रही थी, लेकिन जब गुड़िया पकड़ी गई तो उसका पति सचिन मिला। पलामू की जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने चावल दिवस पर पाटन प्रखंड के सखुई में पीडीएस दुकान की जांच की। इस दौरान पीडीएस दुकान बंद पाई गई। इस मामले में आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि चावल दिवस के दिन दुकान का बंद रहना घोर लापरवाही को दर्शाता है। कोडरमा की उपायुक्त मेघा भारद्वाज के कड़े निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी ने तिलैया थाना क्षेत्र के झलपो विश्राम बाग, जयनगर रोड और महतो आहरा रोड में कार्रवाई की। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मॉनसून सक्रिय रहा और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस अवधि में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षापात भी हुआ। खूंटी में सर्वाधिक 56 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक यही हालात आगामी 21 सितंबर तक बने रह सकते हैं। राज्य के कुछ इलाकों में आज भी आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 15 सितंबर के बीच राज्य में 33% कम मानसूनी बारिश हुई है। थोड़ा सा बढ़ेगा
क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा नीचे में है, जो कि आपका दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र के पास में है, तो ज्यादा असर उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बट क्योंकि लो प्रेशर बनेगा तो झारखंड में भी मानसूनी गतिविधि में तेजी आएगी। राज्यभर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्यभर में पिछले 24 घंटे के दौरान डेंगू के 333 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें से 36 में डेंगू की पुष्टि हुई है, वहीं चिकनगुनिया के भी 134 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें 79 मरीजों ने जांच कराई, जिसमें 12 में चिकनगुनिया की पुष्टि हुई है। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा डेंगू के 98 संदिग्ध मरीज मिले हैं, इनमें 8 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी रांची में डेंगू के 37 संदिग्ध मरीज मिले हैं, इनमें 1 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं सरायकेला खरसावां में डेंगू के 48 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जबकि धनबाद में डेंगू के 8, दुमका में 2, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 2, रामगढ़ में 3, साहिबगंज में 6 और पश्चिमी सिंहभूम में 4 डेंगू के मरीज मिले हैं। जमशेदपुर में आयोजित टाटा स्टील एशियन जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चैंपियनशिप का कल समापन हो गया। इसमें महिला वर्ग में भारत की तेजस्विनी ने खिताब जीता, जबकि रूस के ग्रेवनेव एलेक्सी पुरुष वर्ग के विजेता बने। भारत की तेजस्विनी को विमेन इंटरनेशनल मास्टर के खिताब से नवाजा गया। पिछले 8 सितंबर से चल रही इस प्रतियोगिता में कई देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओपन वर्ग में इंटरनेशनल मास्टर ग्रेवनेव एलेक्सी को स्वर्ण, अश्वथ एस को रजत और रोहित कृष्ण को कांस्य पदक मिला, जबकि गर्ल्स क्लासिक में तेजस्विनी को स्वर्ण, वृष्टि मुखर्जी को रजत और बोमिनी मोनिका को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। जूनियर चैंपियनशिप यहां जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जा रही थी, जिसका आज समापन हुआ। और इस प्रतियोगिता में ओपन और गर्ल्स दोनों कैटेगरी के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित थी, और ये 3 डिफरेंट फॉर्मेट में ये प्रतियोगिता यहाँ पर खेली गई है। ये 3 डिफरेंट चैंपियनशिप थे। हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित स्थानीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के खेल मैदान में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में प्रखंड की 23 पंचायत से कुल 44 टीमों ने भाग लिया। सभी उपस्थित टीमों को आयोजक सदर विधायक मनीष जायसवाल की ओर से जर्सी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मांडू विधायक सह पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल, सिमरिया विधायक किशुन दास, पूर्व विधायक मनोज यादव, बड़कागांव के पूर्व विधायक लोकनाथ महतो समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने गुब्बारा उड़ाकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। एशिया कप वनडे क्रिकेट में कल कोलंबो में आखिरी सुपर 4 में बांग्लादेश ने भारत को रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से हरा दिया। आखिरी मैच में कल बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से हरा दिया। मौजूदा एशिया कप में यह भारत की पहली हार है। हालांकि टूर्नामेंट के लिहाज से इस मैच का कोई महत्व नहीं था और टीम इंडिया पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है और 17 सितंबर को श्रीलंका से खिताबी मुकाबला खेलेगी। वही बांग्लादेश का सफर इस जीत के साथ ही खत्म हो गया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 265 रन बनाए। 266 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सभी 10 विकेट खोकर 259 रन ही बना पाई। शुभमन गिल ने 121 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। 42 रन बनाने वाले अक्षर दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे। पूर्वी सिंहभूम जिले में विश्वकर्मा पूजा की तैयारी अंतिम चरण पर है। लोग विश्वकर्मा पूजा को लेकर मूर्ति की खरीदारी में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से आए मूर्तिकार बताते हैं कि लगातार बारिश से मूर्तिकार के सामने कुछ परेशानी है, लेकिन बीच बीच में बारिश थमने के कारण मूर्तिकार अपनी मूर्ति को अंतिम रूप दे चुके हैं। एक गणेश सबसे पहले मनसा माँ हैं, उसके बाद विश्वकर्मा जी हैं, उसके बाद गणेश जी हैं।
तीनों पूजा लगातार हो रही है, जिसके वजह से जितने भी मूर्तिकार हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ चुके हैं, तो जिसके चलते अभी दिन रात करके जो है काम कर रहे हैं सब कोई। और अब बात सेहत की। दांतों की समस्याएं कई तरह की हो सकती हैं। हर आयु के लोगों में दांतों की समस्याएं देखी जाती हैं। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में ये समस्याएं भी अलग होती हैं। तो वहीं कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो किसी भी उम्र में हो सकती हैं। दांत में दर्द, दांतों में सड़न, धब्बे, दांत टेढ़े होना, चोट लगने से दांत टूट जाना, दांतों का घिसना, दांत बदरंग हो जाना, मसूड़ों के रोग, तो वहीं बढ़ती उम्र के लोगों में दांत गिर जाना। ये समस्याएं कई लोगों को परेशान करती हैं और उनकी परेशानी का सबब बन जाती हैं। वहीं कुछ लोग अपने दांतों को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर लोग अपने दांतों की देखभाल पर ध्यान नहीं देते, जो समस्या का कारण बनता है। स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए सिर्फ दांतों का ही नहीं बल्कि पूरे मुंह का स्वास्थ्य जरूरी है, यानी ओरल हाइजीन का विशेष ध्यान देना चाहिए। दांतों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बचपन से ही दांतों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने मुंह के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हो जाएं और दंत चिकित्सक से समय समय पर अपने दांतों की जांच करवाते रहें। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। योग सूत्र में स्वस्थ रहने के लिए देखते हैं कुछ योगासन। एंग्जाइटी, बहुत सुंदर बात है कि जब हम अतीत में जीते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है और जब हम फ्यूचर में जीते हैं तो हमें एंग्जाइटी होती है। इसीलिए योग हमें सिखाता है आज में जीना, बिकॉज लाइफ रिजाइड्स इन दिस वेरी मोमेंट। हमें नियमित योग साधना करके अपनी एंग्जाइटी से बाहर आना है। एंग्जाइटी कई और समस्याओं की जननी है, यानी एंग्जाइटी से पेट भी खराब हो जाता है, एंग्जाइटी से अनिद्रा की स्थिति भी हो जाती है, एंग्जाइटी से कभी कभी कुछ लोगों को फेशियल एंग्जाइटी भी होती है, यानी फेस का कोई एक हिस्सा अलग ढंग से कार्य करने लगता है या स्टिफ हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं एंग्जाइटी के साथ आती हैं। आपको एंग्जाइटी को गुड बाय कहना है, इतना भी कठिन नहीं है अगर आप नियमित रूप से करें योग साधना। आपको नियमित रूप से करना है आनंद मुद्रा आसन का अभ्यास और पादादिरासन का अभ्यास। इनका अभ्यास इस ही सीक्वेंस में करना है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद मदिरा, यथा नाम तथा गुणा, जिसे आनंद की, योग की मदिरा का आनंद मिल जाए, जिसे योग की मदिरा का आनंद मिल जाए, उसके लिए जितनी भी और भौतिक जगत की मदिराएं हैं वो सब किसी काम की नहीं रहती है, क्योंकि उससे अनूठा कोई आनंद है ही नहीं। तो आप भी करें आनंद मदिरा का अभ्यास और पादादिरासन का अभ्यास। कैसे करना है आइए जानते हैं। आनंद मदिरा आसन के लिए वज्रासन की स्थिति लें, घुटनों के बल आ जाएं, एक पंजे को दूसरे पंजे पर रखें, एड़ी खुली रहे और खुली एड़ी पर अपने हिप्स को टिका दें। दाएं हथेली से दाएं टखने को पकड़ना, बाएं से बाएं टखने को पकड़ना, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर और अपनी गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। इस स्थिति में आकर के भ्रू मध्य, स्पेस बिटवीन द आईब्रोज पर पूरा ध्यान टिका दें। न किसी विचार को आमंत्रित करना, न किसी विचार को हटाना। जो भी विचार आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें। पर्यवेक्षक बनकर, ऑब्जर्वर बनकर सिर्फ अपने विचारों को आते और जाते हुए देखना। यथा सामर्थ्य रुकना, फिर धीरे से आंखें खोल देना, गर्दन को आगे ले आना, हाथों को भी वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम करते हैं पादादिरासन, यानी दाएं हथेली को बाएं बगल में और बाएं हथेली को दाएं बगल में टिका करके गर्दन को आगे की ओर झुका करके ढीला छोड़ दें और नासाग्र, टिप ऑफ द नोज पर पूरा ध्यान टिका दें। टिप ऑफ द नोज पर पड़ने वाली। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची में मार्बल आर्ट से जुड़े विश्वकर्मा समाज के लोग को उम्मीद जगी है कि उनके दिन भी बदलने वाले हैं। उनमें जान फूंकने में जुटे ये सभी कारीगर विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।
रांची में पिछले 10 वर्षों से मार्बल आर्ट का काम कर रहे शिवलाल कुमार गुप्ता को लगने लगा है कि अब जाकर देश के एक बड़े तबके को लाभ मिलने वाला है। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका लोहा देश और दुनिया मानती है। विश्वकर्मा पूजा का योजना किए हैं चालू, शुभारम्भ ये भी इसमें करते हैं तो सब आदमी को फायदा होगा। शिल्पकार महेश कुमार गुप्ता प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के फायदे गिनाते नहीं थकते हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने निर्माण कार्य में जुटे कारीगरों को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की है। निश्चित रूप से अब समाज के छूटे हुए हिस्से का भी विकास होने जा रहा है। जो भी शिल्पकार बंधु हैं, जैसे लोहार हो गए, विश्वकर्मा समाज के हो गए, बड़ी समाज के लोग, हम लोग मार्बल मूर्तिकार जो शिल्पकार हो गए, सुनार वर्ग के लोग हैं, ये सभी लोगों को लाभान्वित। संजय कुमार गुप्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण को ध्यान में रखकर योजनाओं को बनाते हैं। संजय कुमार गुप्ता का मानना है अन्य कल्याणकारी योजनाओं की तरह निश्चित रूप से विश्वकर्मा योजना भी सफलता के सोपान पर आगे बढ़ने वाली है। ये योजना बहुत ही अच्छे, हम लोग गरीब परिवार के लिए ये सब अच्छा ही योजना है। जो शिल्पकार है उन्हें योजना का लाभ उठाने मिलेगा ही। इनका प्रधानमंत्री मोदी जी ने लंच कर दिया तो इनका फायदा गरीब को ही मिलेगा, जो भी शिल्पकार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्वकर्मा योजना लागू करने का ऐलान किया था। इस योजना के अंतर्गत लोहार, बढ़ई और शिल्पकार समेत 18 श्रेणियों में हाथ के कारीगरों को बांटकर उन्हें पहचान, प्रशिक्षण और ऋण सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल विश्वकर्मा योजना का करेंगे शुभारंभ, देश भर के 70 स्थानों पर होगा कार्यक्रम। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तो जमशेदपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन रहेंगे मौजूद। कोडरमा जाने के क्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का हजारीबाग में हुआ स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैनिक स्कूल तिलैया के डायमंड जुबली समारोह में होंगे शामिल, देवघर का भी करेंगे दौरा।